मैंने तो 3-4 दिन में ये तजर्बा देख लिया, मेरी जितनी ये शुगर चेक करते हैं इतनी कभी आई नहीं। जब ये यहाँ पे आए थे तो इनका डायलिसिस चला था हफ्ते में 2 बार, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थेरेपी के लेने के बाद बाथटब वगैरह हेड टिल डाउन वगैरह लेने के बाद तो फिलहाल हमारी कोई भी डायलिसिस नहीं हो रही है। यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के मुझे बहुत सुधार आया है, यहाँ से बहुत खुश होके जा रही हूँ, मेरे को बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा, हर जगह से मायूस हो गए थे, यहाँ पे हमको आके एकदम ऐसा लग रहा है कि अब एकदम सब ठीक हो जाएगा। जो रूटीन थेरेपी वगैरह की है अगर हम ये करें तो हमें लगता है कि डायलिसिस की आवश्यकता हमें आगे भी नहीं पड़ेगी। सर फैमिली की तरह रहते हैं, हॉस्पिटल जैसा माहौल नहीं है, घर जैसा माहौल है। मेरे किडनी की दिक्कत थी और मेरे पथरी थी और लीवर में सूजन बताई थी, ठीक है, और किडनी का टेस्ट हुआ था उसमें ये किडनी जो सुकड़ रही है थोड़ी, तो ये सारी चीज़ थी। मेरी डायलिसिस होती थी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती थी और वे बोले कि कह रहे हैं डायलिसिस ही होगी आपकी। तो मेरे को जैसे ही पता चला यहाँ के बारे में डेरा बसी, 3-4 दिन हो गए मेरे को यहाँ पर और यहाँ खाना पीना से ही मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, मेरा चेहरा सही हो गया, ऐसे हो रहा था चेहरा जैसे बीमार है, अब मैं कभी फिट हूँ। देखिए आराम मिला है क्योंकि मेरे हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती थी और कल मेरी डायलिसिस की डेट थी, तो जिसकी वजह से आज तो मैं ऐसे ही बैठा हूँ बिना डायलिसिस के, तो आराम तो वैसे ही है ऑब्वियसली। जब आया था तब पैरों में स्वेलिंग थी ट्रैवलिंग की वजह से, बट थेरेपीज के वजह से अभी उसमें स्वेलिंग्स वगैरह नहीं है। तो मेरे परमाकेट डाल दिया था, परमाकेट डालने के बाद हफ्ते में 2 बार तो मेरी डायलिसिस होती थी, फिर मुझे पता चला था हिम्स के बारे में। कितने महीने तक लगातार डायलिसिस चला आपका? करीब 5-6 महीने, 5 या 6 महीने डायलिसिस चला हफ्ते में 2 बार। 8 अप्रैल लास्ट हुई थी, 11 को मैं हिम्स पहुंचा था, 18 को डिस्चार्ज हुआ था, उसके बाद से मतलब डायलिसिस से छुटकारा मिल गया। मेरी परमाकेट भी निकल चुकी और आपने वो परमाकेट भी निकला दी और लेग वाला भी आपका वो भी नहीं है, वो सब निकल चुका। क्रिएटिनिन 8 था जब मैं आया था, तो फिर बाद में मेरे को 6-7 हो चुका परसेंटेज, फिर और ये अभी जो डायलिसिस चल रहा था मेरा करीबन जो हफ्ते में इधर यहाँ पर आने के बाद मैं डायलिसिस अभी बिल्कुल रुक गया, पूरा बिल्कुल फिट हूँ। जी यहाँ से लास्ट रुक गया, ब्लड पहले कम हो जाता था, ब्लड कम नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है, थोड़ा बढ़ा है जी, कम नहीं हुआ। दूसरा इनको रहता था नज़ला, ठीक है, अस्थमा नज़ला, बहुत समस्या थी नज़ले की, मैं सप्ताह में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 बार तो गोली ले लेते थे ये मोन्टारेल्स वगैरह। जब से यहाँ से जो ये चीज़ें शुरू किया ना वो नज़ला भी नहीं हुआ। ऐसे हॉस्पिटल के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और लोगों को बोलूँगा कि शुगर, बीपी, किडनी और कैंसर, इन 4 बीमारी से अगर आपको डर लगता है तो आप हिम्स की तरफ आएं। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं, चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, मेरठ, नवी मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।